Everyone, how are you all doing? Welcome to your English class. आज हम start कर रहे हैं एक नया chapter आपकी book से Literary Journeys an English Reader Primer Book by Brainroot Series. ठीक है, तो इस chapter में सबसे पहले हम पढ़ेंगे vowel sound U के बारे में. Right, first we have UB words. Phonic drill में सबसे पहले हमारे पास UB words हैं जिनके एंड में यू बी आता है. कौन से वर्ड्स जिनके एंड में यू बी आता है? कब, हब, रब, टब, पब. नेक्स्ट है यू जी वर्ड्स. यू जी वर्ड्स में है बग, डग, जग, मग, टग. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यू एन वर्ड्स. ठीक है, बन, run, gun, sun, fun. ठीक है, तो ये क्या है? ये है यू एन वर्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है यू टी वर्ड्स, जिसके एंड में क्या आता है? यू टी आता है. कट, गट, नट, हट, बट, शट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यू एम पी वर्ड्स, जिसके एंड में यू एम पी आता है. जंप, पंप, हम्प, बम्प, डंप. तो ये क्या है? यू एम पी वर्ड्स, जिसके एंड में क्या आ रहा है? यू एम पी आ रहा है. आगे हमारे पास है यू डबल एल वर्ड्स, जिसके एंड में यू डबल एल आ रहा है. बुल, फुल, डल, पुल. ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? यू डबल एल वर्ड्स. नाउ रीड अलाउड. माउथ, साउथ, काउंट, माउंट, राउंड, साउंड, पाउंड, वाउंड. इसे हम वाउंड भी बोलते हैं. ठीक है, हमारे पास है मलबरी बुश. नाउ नाउ वी हैव अ पोएम द मलबरी बुश. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Right, तो ये हमारी एक poem थी जिसके अंदर हमने U sound words देखे. Now we have to read these words: jump, bump, lump, hump, pump. Jury, bury, fury, curry and हरी. तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. सबसे पहले क्या है? देखिए क्या है ये? ये एक हम्प है, जो कैमल का जो ये ऐसे रेज होता है ना, इसे हम हम्प बोलते हैं बच्चों. सो एच यू एम पी, हम्प. नेक्स्ट क्या है ये बताइए? माउथ. ठीक है, आगे हमारे पास है लाउड. राइट, समझ आया सबको? और ये है पंप. ठीक है, अब हमें इन वर्ड्स को ज्वाइन करना है और अच्छे से नीटली लिखना है. फर्स्ट क्या बनेगा? जे यू एम पी, जंप. नेक्स्ट क्या बनेगा? पी यू एम पी, पंप. अगला एच यू एम पी, हम. इसके बाद एल यू एम पी, लंप. यहां पे देखिए बी यू एम पी क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बम्प. दिस वन डंप. क्या बनेगा? डी यू एम पी का क्या बना? ये डंप बना. सबको समझ आती है ये बात अच्छे तरीके से? चलिए, वेरी गुड. Now you have to look at the pictures and complete the crosswords. आपको इन pictures को देख के crossword को complete करना है. देखिए, M U G mug, J U G jug. तो अगर आप U लगा देंगे तो J U G jug भी बन जाएगा, M U G mug भी. यहाँ पे G U E N gun, B U N bun. Pictures भी दे रखी हैं. H U T hut, ये रही hut. N U T nut, ये रही nut. C U B cub, लायन का बेबी कब होता है. एंड टी यू बी टब, इसकी भी पिक्चर आपको यहाँ पे दी हुई है. ये हमने यू साउंड के वर्ड्स करे हैं.
Now look at the pictures and write the correct words. ठीक है, चलिए सबसे पहले किसकी इसकी पिक्चर है हमारे पास, हमने पहले भी किया था, केक. नेक्स्ट भागना, भागने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर यू एंड रन. नेक्स्ट इज हिल, एच आई एल एल हिल. दिस इज जेल, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखेगा मैम की देख के. नेक्स्ट इज बताइए आप, इसको आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको बॉय बोल सकते हैं ना, बी ओ वाई बॉय वर्ड. नेक्स्ट इज पेयर, हियर, ठीक है सुनना मतलब हियर. ये क्या है, ये एक शीप है तो हम यहां लिख देंगे शीप. ये क्या है, ये एक रिंग है, आर आई एन जी रिंग. दिस इज किंग, दिस इज काइट, एंड दिस वन इज ट्री. ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्री है. गॉट इट एवरी वन, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज बोट, बी ओ ए टी बोट. ये क्या है, ये एक ताला है जिसे हम इंग्लिश में लॉक बोलते हैं. रोज, यहां पे क्या है, ये हैन, या फिर आप इसको कॉक भी लिख सकते हो. ओ साउंड वर्ड्स बनाने के लिए हम इसे कॉक बोलेंगे, सी ओ सी के कॉक. ये क्या है, लाउड. दिस इज हॉप, हम्प, एंड लास्ट में क्या है, ये है माउथ. क्या है, माउथ है. देखो इस तरीके से हमने रिकॉग्नाइज करा पिक्चर्स को और उनका नाम लिखा. अब हमारे पास है मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब हमारे पूरे साल में कितने महीने होते हैं. आपको ध्यान रखना है हमारे पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. जनवरी, साथ साथ पढ़िएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितने मंथ्स हैं पूरे साल में, पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. ठीक है, चलिए नाउ यू हैव टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ. सबसे पहले क्या है, जनवरी, जी जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी. फेब्रुअरी, तो ये फेब्रुअरी की स्पेलिंग हमने लिख दी है. मार्च, ठीक है, अप्रैल, ये आए है, मई. नेक्स्ट इज जून, नेक्स्ट क्या है, जून है, ठीक है. फिर है जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई. अगस्त, ए यू जी यू एस टी अगस्त. सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर. अक्टूबर, ठीक है, नोवेम्बर, नवंबर. एंड लास्ट इज डिसेंबर. ठीक है, तो ये हमारे सारे स्पेलिंग्स हैं. आपको इन्हें क्या करना है, आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है. यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग्स प्रॉपरली. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास है कि राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लास्ट का पार्ट, जिनकी एंडिंग सेम होती है. जैसे कप, पप, वॉल, हॉल, माइस, डाइस, बेल, वेल, पियर, हियर, हिल, किल, नाइट, फाइट, बी, सी, रिंग, विंग, बोट, गोट. ठीक है बच्चों, समझ आया सबको किस तरीके से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किस तरीके से आई हैव रिटन, आई हैव
explained you the rhyming words. You have to see that जो end part है ना हर word का वो same होना चाहिए. ठीक है, चलिए, that's it for this video. Thanks for watching. I will meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.